हेलो एंड वेलकम टू फिजिका। इस वीडियो में हम जानेंगे व्हाट इज साइंस और दूसरा व्हाट आर ब्रांचेस ऑफ साइंस। तो शुरू करते हैं व्हाट इज साइंस से। तो साइंस एक ऐसी नॉलेज को हम बोलते हैं जो ऑब्जर्वेशन करके हासिल की जाती है। तो क्या होता है कि जब भी हम कोई ऑब्जर्वेशन करते हैं तो उस ऑब्जर्वेशन को करने के बाद हम उसको एज ए नॉलेज ऑफ साइंस नहीं लेते हैं जब तक कि उसको उस ऑब्जर्वेशन को हम टेस्ट ना करें। तो ऑब्जर्वेशन करने के बाद जो भी कुछ हम ऑब्जर्व करेंगे लिविंग थिंग में या नॉन लिविंग थिंग में या कोई भी चीज़ यूनिवर्स में जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो वो सही है कि गलत है हमारा देखना हमारी ऑब्जर्वेशन, उसके लिए हम टेस्ट करते हैं, उसको एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं। जब हमने ऑब्जर्वेशन की तो ऑब्जर्वेशन करने के बाद हम यूजुअली एक गेस करते हैं और फिर हम कहते हैं कि जो ये ऑब्जर्वेशन है ये इसकी एक्सप्लेनेशन देते हैं, लेकिन एक गेस होती है वो। अब वो एक्सप्लेनेशन इस ऑब्जर्वेशन की सही है कि गलत है इसके लिए हमें इस गेस को जो है टेस्ट करना पड़ता है। ये अब जो ये गेस हम बनाते हैं इसको हम साइंटिफिक टर्म में हाइपोथेसिस बोलते हैं और फिर इस हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाता है। जब इस हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाएगा, अगर ये टेस्ट में टेस्ट के जब रिजल्ट्स आएंगे, अगर वो रिजल्ट्स वही साबित करते होंगे जो हमने हाइपोथेसिस जो हमने गेस किया, तो हाइपोथेसिस इज़ प्रूव्ड। अगर ये टेस्ट के रिजल्ट्स ने इसको गलत साबित किया जो हमने गेस किया, तो हमें जो है अपना गेस चेंज करना पड़ता है। फिर हम दूसरा गेस करते हैं कि ये ऑब्जर्वेशन ये जो ऑब्जर्व हमने किया ये क्यों हुआ। तो ऑब्जर्वेशन करना, फिर एक स्टेटमेंट बनाना हाइपोथेसिस, फिर हाइपोथेसिस को टेस्ट करना। अगर टेस्ट में साबित हो गया तब साबित होने के बाद वो हाइपोथेसिस जो है ये फैक्ट बन जाता है और ये फैक्ट्स जो है इन्हीं का नाम हम साइंस रखते हैं। तो इन्हीं को हम साइंस बोलते हैं। तो साइंस में जो है पूरे जो है एक मेथड होता है इसमें, इन चीज़ों में एक पूरा मेथड होता है जो स्टार्ट होता है ऑब्जर्वेशन से, जिसमें हम क्वेश्चन बोलते हैं कि अगर कुछ हुआ व्हाई डिड दिस हैपन और व्हाट वाज दैट और हाउ डिड दिस हैपन, पूरे जो है इसमें एक मेथड बन जाता है जो ऑब्जर्वेशन से शुरू होता है। फिर ऑब्जर्वेशन के बाद गेसिंग होती है, हाइपोथेसिस बनता है, हाइपोथेसिस को फिर जो हमें टेस्ट करना पड़ता है। फिर अगर हाइपोथेसिस टेस्ट में साबित हो गया तो फिर नेक्स्ट लेवल में जाते हैं, अदरवाइज हम हाइपोथेसिस को चेंज करते हैं। यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल टेस्ट फेल हो गया तो हाइपोथेसिस दूसरा हम दूसरी गेसिंग करते हैं, फिर हाइपोथेसिस बनाते हैं, फिर तब तक चेंज करते रहते जब तक कि जो है हमारा गेसिंग जो है हमने उसको टेस्ट में सही साबित नहीं करते। तो फिर अगर हाइपोथेसिस प्रूव हो गया उसके बाद हाइपोथेसिस जो है वो साइंटिफिक लॉ या प्रिंसिपल बन जाता है या एट वर्स्ट वो साइंटिफिक थियोरी बन जाती है। तो पूरा एक मेथड है यहाँ पे जो हम ऑब्जर्वेशन से शुरू होके एंड रिजल्ट्स तक पहुँचता है, इस मेथड को साइंटिफिक मेथड बोलते हैं। साइंटिफिक मेथड पूरा अगर हम डिटेल में जानना चाहते हैं कि होता क्या है तो आप कमेंट्स करके बताइए, तो मैं इसका एक अलग वीडियो बना दूंगा व्हाट इज़ साइंटिफिक मेथड, और फिर इसी साइंटिफिक मेथड में बता दूंगा कि व्हाट इज़ हाइपोथेसिस किसको बोलते हैं, साइंटिफिक लॉ और प्रिंसिपल किसको बोलते हैं, और साइंटिफिक थियोरी किसको बोलते हैं, साइंटिफिक मॉडल किसको बोलते हैं, पोस्टुलेट्स किनको बोलते हैं, तो मैं उसमें बता दूंगा। तो अब हमने ये जाना कि जो वो कोई भी नॉलेज जो हम ऑब्जर्वेशन से शुरू करके टेस्ट करते हैं, फिर टेस्ट से जब वो प्रूव हो जाती है तब जाके उस नॉलेज को हम साइंस बोलते हैं। अब ब्रांचेस ऑफ साइंस, जो ब्रांचेस ऑफ साइंस, साइंस के चार बड़े ब्रांचेस में जो है साइंस को डिवाइड किया जाता है। एक को हम नेचुरल साइंस बोलते हैं, नेचुरल साइंस, इसी तरह फॉर्मल साइंस,
तीसरी ब्रांच है अप्लाइड साइंस, और फिर चौथी ब्रांच है सोशल साइंस। तो ये चार ब्रांचेस होते क्या है, पहला ही है नेचुरल साइंस। तो जो नेचुरल साइंस है इसमें हम उन सारी नॉलेजेस के बारे में पढ़ते हैं, वो सारी नॉलेजेस इस कैटेगरी में इस ब्रांच में रखे जाते हैं प्रूव करके, जो नेचर के मुतालिक हो, नेचुरल ऑब्जेक्ट्स, नेचुरल थिंग्स, नेचुरल फिनोमेना के मुतालिक हो, उसको हम नेचुरल साइंस बोलते हैं। अब इस नेचुरल साइंस में आते हैं, इसके भी दो सब ब्रांचेस हैं, एक को हम बोलते हैं फिजिकल साइंस। तो याद रखना, वो साइंस की नॉलेज जो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स, नेचुरल थिंग्स, नेचुरल फिनोमेना के मुतालिक इसमें आता है। इसमें दो सब ब्रांच, एक है फिजिकल साइंस और दूसरा है बायोलॉजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस। अब जो नेचुरल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस है इसको हम अलग देखेंगे, उससे पहले हम फॉर्मल साइंस देखेंगे। फॉर्मल साइंस जो है ये एक्चुअली इन्वेंटेड साइंस है, जो इंसान ने, साइंटिस्ट ने इन्वेंट किया है इस गर्ज से कि जो बाकी की तीन ब्रांचेस ऑफ साइंस है इनको अच्छी तरह से समझा जा सके। ये बेसिकली जो है ये लैंग्वेज ऑफ साइंस है, बाकी तीन साइंस के लिए एक लैंग्वेज बनती है जिससे हम बाकी साइंस को ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसमें आते हैं मैथ, इसमें आता है कंप्यूटर साइंस, इसमें आता है लॉजिक, इसमें आता है स्टैटिस्टिक्स। अब फॉर एग्जांपल अगर हमें न्यूटन सेकंड लॉ को समझना है तो पूरा एक स्टेटमेंट है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो इसका जब हम अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, हम मैथमेटिकल फॉर्म में इसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो एक जो ऐसी स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है साइंस की जो इस पूरे स्टेटमेंट को इस छोटे से एक इक्वेशन में कन्वर्ट कर देता है, फिर इसको हम यूज़ करके जो है बहुत सारे प्रॉब्लम्स, लार्ज वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स जो हम सॉल्व करते हैं। तो एक तरह से एक सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं इस नेचुरल साइंस के फेनोमेना को, या अप्लाइड साइंस के फेनोमेना को, या सोशल साइंस की कॉन्सेप्ट्स को ईजी करता है अंडरस्टैंड करने में। तो इसको हम फॉर्मल साइंस बोलते हैं। अब तीसरी कैटेगरी है, तीसरी ब्रांच है, उसको हम बोलते हैं अप्लाइड साइंस। अप्लाइड साइंस जो है ये वो नेचुरल साइंस होता है जिसको हम डे टू डे लाइफ में अप्लाई करते हैं, डे टू डे लाइफ में अप्लाई करते हैं, उसको हम अप्लाइड साइंस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई भी लॉ ऑफ नेचुरल साइंस पढ़ेंगे, फिर उस लॉ ऑफ नेचुरल साइंस को अप्लाई करने के बाद जो कोई भी चीज़, जो कोई भी चीज़ बनेगी जो सोसाइटी को बेनिफिट देगी, उस चीज़ को हम उस साइंस की टेक्नोलॉजी बोलते हैं, और इन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में हम जो है अप्लाइड साइंस में पढ़ते हैं। तो इसमें दो मेन ब्रांचेस आती हैं, लाइक इंजीनियरिंग, इसमें आता है मेडिसिन, इस ब्रांच ऑफ साइंसेस को हम अप्लाइड साइंस बोलते हैं क्योंकि ये एप्लीकेशन में आते हैं। इसी तरह चौथी ब्रांच ऑफ साइंस जो है वो है सोशल साइंस, जिसमें हम अबाउट सोसाइटी, अबाउट सोशल यूनिट, फैमिली वगैरह के बारे में, इकोनॉमिक्स वगैरह आता है इसमें, सोशियोलॉजी आता है, इकोनॉमिक्स आता है, साइकोलॉजी आता है, तो इनको हम सोशल साइंस बोलते हैं। तो ये तो थे चार मेन ब्रांचेस। अगर हम अब इसमें जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है यहाँ पे वो है नेचुरल साइंस का, जो हमें आगे पढ़ना है, तो इसमें हमने बताया कि दो ब्रांचेस होते हैं, एक तो एक को बोलते हैं फिजिकल साइंस और दूसरे को हम बोलते हैं बायोलॉजिकल साइंस। अब जो फिज़िकल साइंस होता है इसमें हम पढ़ते हैं अबाउट नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में फिज़िकल साइंस में, और जो बायोलॉजिकल साइंस है इसमें हम पढ़ते हैं लिविंग थिंग्स के बारे में। अब फिज़िकल साइंस वो नेचुरल साइंस होता है जिसमें हम नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। अब इसमें वो नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में जो हम जितना भी पढ़ते हैं वो भी दो कैटेगरी, दो सब ब्रांच में रखा जाता है, एक को हम फिजिक्स बोलते हैं और दूसरे को हम
केमिस्ट्री बोलते हैं। इसी तरह बायोलॉजिकल साइंस में हम ये बायोलॉजिकल साइंस वो नेचुरल साइंस होता है जिसमें हम लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं। इसमें भी बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, लाइक इसमें आती है बायोलॉजी, इसमें आती है, इसमें सभी ब्रांच आएंगे लाइक माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और बैक्टीरियोलॉजी जो इसी की एक सब ब्रांच है, तो बहुत सारे ब्रांच आएंगे इसमें। और बॉटनी, जूलॉजी वगैरह ये सारी ब्रांच जो है बायोलॉजिकल साइंस में आती है। अब अगली वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज़ फिज़िक्स एंड व्हाट आर डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स, और जो बाकी व्हाट इज़ केमिस्ट्री और व्हाट इज़ बायोलॉजी जो है ये आप उन्हीं टीचर्स के अलावा उन्हीं सब्जेक्ट्स में पढ़ेंगे। हम फिज़िक्स और इसके ब्रांचेस से कंटिन्यू करेंगे अगली वीडियो से, फिर उसके बाद हम फिज़िक्स के मेन टॉपिक्स पर आएंगे। थैंक यू।